हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत सही, बहुत ठीक ठाक होंगे। और अभी अभी खबर मिली है कि पबजी बैन हो गया है और बाकी हो चुका है, सर्वर्स पे नहीं चल रहा। ये बगैर VPN के मेरी मिडिल ईस्ट पे देख लो तुम लोग, लाल हुआ पहली बार, इतना दुख हो रहा है। मसला पता है क्या है? जो हमारी कौम के ऊपर जो बैठे हैं ना, जो लोग हुक्मरानी की बात नहीं कर रहा मैं, हुक्मरान से ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो लोग चाहती नहीं है कि पाकिस्तान को कोई चलाए, कोई आगे कर सके। और बहुत सही ये बात है कि इस मुल्क को ना सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है और किसी में हिम्मत है ही नहीं, भले वो कोई भी हो। क्योंकि देखो यार, अगर एक बंदा खुदकुशी कर रहा है, 25 करोड़ में से अगर एक बंदा चलो खुदकुशी कर लेता है, तो ये भी हो सकता है खुद दिमागी मसला हो। क्योंकि पबजी अभी इसी नहीं, पबजी 2 साल से चल रहा है, 2 साल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुदकुशी हुई है। और अगर हुई है तो जाहिर बात है, क्या सिर्फ पबजी की वजह से थोड़ी हो कि उससे घर में कोई मसला हुआ, कोई बच्ची बच्ची को कोई चक्कर होगा, कोई आशी माशुकी की लगाई हुई होगी किसी ने कि नहीं भाई ये मुझे शादी नहीं करा रहे, खुदकुशी कर लो। ये जो घटिया और जो बेअक्ल बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं अभी इतना टेंशन में आया हूँ कि अब करूँगा क्या। जहाँ तक मुझे अब तक खबर मिली कि 9 जुलाई तक, 9 जून, जो भी महीना, कौन सा महीना चल रहा है ये महीना ही नहीं पता, बताओ। हाँ, 9 जुलाई तक बंद बैन हुआ है, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। तो यार ये क्या मकसद, 9 जुलाई तक उन्होंने टेम्प्रेरी बैन कर दिया। चलो 9 जुलाई का अगर उन्होंने बैन कर दिया तो इससे मिलेगा क्या? 9 जुलाई को उनका वो जो खुदकुशी हुई है वो वापसी हो जाएगा बच्चा, या फिर कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा इतनी जल्दी? कि मकसद क्या है? फालतू के अंदर अब लोगों ने अपने बिजनेस इस पर सेट कर लिए हैं। मेरा 200 पीछे तो खैर सस्ता ही है, 20,000 तक का ही बनवाया मैंने। लोगों ने यार 2,70,000, 2,80,000, 1.5 लाख, 3-3 लाख रुपए की सिस्टम बनाया। मेरे दोस्तों ने जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, उनका तुम लोग सोचो वो लोग कहाँ जाएंगे। माशाल्लाह अभी पाकिस्तान के इतने अच्छे क्लैंस जो अभी आगे आ रहे थे, PMCU में जो आगे जा रहे थे, पबजी के अंदर जो अपना नाम उठा रहे थे, उनको तुम लोगों ने फ़ौरन जाके गिरा दिया। 5 मिनट के तुम्हारे, 10 मिनट के फैसले की कॉन्फ्रेंस ने पूरे पबजी की, जो पाकिस्तान का जितना ही पबजी का जो भी सिस्टम चल रहा था, सारे गया भाड़ में, ई स्पोर्ट गया भाड़ में। और अभी एक टूर्नामेंट भी हो रहा था, और मतलब जो होते रहते हैं टूर्नामेंट्स, जो वीकली मंथली लोकल डोमेस्टिक तौर पे जो होते हैं, वो भी सब भाड़ में गए, सारा पैसा डूब गया उनका। लोगों ने पता नहीं पबजी पे क्या क्या सोचा हुआ था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम लोगों ने एक फैसला किया, मतलब एक दिमाग होता है ना, एक सोचने की बात होती है भाई। चलो अगर 10 लोग हैं, 10 में से एक ख़राब है, तो 9 तो चलो सही है ना, या 9 में भी यही मसला आ रहा हो। और सिर्फ पबजी में बैन, यार इनको रेड डेड रिडेम्पशन 2 खिलाओ, इनको GTA 5 खिलाओ, तो ये तो पागल हो जाएंगे। ये तो ये सोचेंगे ये तो गेम ही नहीं, ये तो हकीकत चल रही है। इनमें इतना दिमाग है? अगर इन्होंने कोई हाई ग्राफिक गेम देख ली, मैक्स पेन 3 देख ली, या और भी बहुत से गेम्स, अगर इन्होंने को सिर्फ उन्होंने डेमो ही देख लिया, ट्रेलर ही देख लिया, तो ऐसे ही मर जाएंगे, तो पबजी के पीछे पड़ गए। और जहाँ तक बात रही फ्री फायर और ये सर्वाइवल जीरो, ये जो भी है XYZ, क्या इनमें क्या ये नहीं होता कि मारोगे तो जियोगे? ये GTA 5 जो हर बच्चे ने खेला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है अभी इमरान खान, गलती से उस तक ने भी खेला होगा ये। उसमें क्या मार कुटाई नहीं थी? उसमें बम ब्लास्ट कर लेते थे अपने सिटी को बचाने के लिए, खुद के लिए सब कुछ मार वार देते थे, उसमें क्या ये भी नहीं था? और अभी सबसे बड़ा मसला जो और अभी आएंगे वो ये आएंगे, चलो जो अभी जो बंदे फालतू में क्वारंटीन में थे, या जो भी कोरोना की वजह से घर पे हैं, वो पबजी पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। जाहिर बात है सबको पता है कि पबजी खेल रहे हैं। मैंने लोगों को बाजारों पर, दुकानों पर अंदर जाके देखा है कि वो अंदर जाके पबजी खेल रहे होते हैं, क्योंकि क्यों टाइम पास हो जाता है ऐसे। अब पबजी नहीं रहेगा तो वो लोग फिर क्या कर लेंगे? मतलब क्या होगा फिर? कोरोना के जो क्वारंटीन की वजह से जितने लोग इनकी बात मान के घर में रह रहे थे, क्या वो घर में रहेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगा, सीधी बात कह रहा हूँ। मैं क्या कोई भी नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं घर में करने के लिए जो आपको थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रखे। और ये जो उन्होंने बहाना बनाया कि खुदकुशी के पीछे, यार थोड़ी अकल चलाओ, थोड़ी अकल पे हाथ मारो, अल्लाह का नाम लो। खुदकुशी हुई है माना, लेकिन वजह कुछ और भी हो सकती है। मतलब पबजी के पीछे खुदकुशी कोई क्यों करेगा? पबजी के पीछे इस बात के किसी पास कुछ जवाब है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखना। इतने मतलब ये बेहिस बेवकूफ़ हमारे हुक्मरान हैं कि बस इनके क्या किया जाए, इनके 5, 10, 20 मिनट के फैसले ना। अभी यार स्टार अनोनिमस इतना बड़ा यूट्यूबर, मैं सीधी बात कहता हूँ, मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि मैंने जो पबजी खेलना सीखा है वो तकरीबन ही उससे सीखा है। मेरे जो चैनल, जो भी जो आप ये वीडियो देख रहे हो आके, मैंने ये चैनल सिर्फ उसके पीछे बनाया था, क्योंकि मैंने उससे इंस्पिरेशन ली थी कि यार जब ये बना सकता है तो मैं भी करा सकता हूँ, है ना। अब उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, वो कहाँ जाएंगे?
ये जितने सब्सक्राइबर हैं, जितनी उसकी मेहनत है, उसकी पूरी ज़िंदगी इस पे लगी हुई है, इन्होंने फालतू में 5 मिनट के अंदर उन्होंने बैन कर दिया। अब क्या होगा आगे? और आगे सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ, बेफिक्र हो। सही थंबनेल देख के आए, सोल्यूशन है यहाँ पे 120 पिंग का भी। पर मसला ये है कि वो सोल्यूशन भी कब तक काम करेगा? वो सिर्फ 120 पिंग आपको नज़र आएगी, बाकी वो आप खुद जाकर देख लेना। अभी मैं करने वाला हूँ इस बात को ख़त्म। मकसद ये है कि यार ये सही हो नहीं रहा यहाँ पे, ये ऐसा ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है अब हम क्या करेंगे? या और जो यूट्यूबर्स हैं, खैर मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था, या और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि 1 मिलियन के आसपास पहुँचने वाले, जिनका लाइव अच्छी, मतलब एम ऑफ लाइफ ये था यूट्यूबर, बस अब इसी पे गुजारा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई उनको ये भी तो सोचे ना, ये बेरोजगार जो वैसे इतने इन्होंने कर दिए क्वारंटीन में रख के, कोरोना है कोरोना है, और पबजी बैन करके बिल्कुल ही कर दिए। इतने टूर्नामेंट्स, इतने फेस्टिवल्स अभी रहते थे, वो सब कहाँ गए? भाड़े में? कोई मसला ही नहीं उनका? अरे ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए, ये तो उनको थोड़ी हमारे हुक्मरानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये कर लो, कोई पबजी पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा लो कि मैं तो, जिससे ये हो जाए कि 18 साल के कम का बच्चा ये नहीं खेलेगा। कोई जैसे ट्विटर पे भी तो है ना, कागजात जमा हो जाते हैं और भी अपनी जो नेशनलिटी होती है वो जाती है, तो फिर ये ब्लू कलर का टिक आ जाता है, वेरीफाई हो जाता है। कुछ भी ऐसा कर दो आप लोग, पर ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। बहरहाल बहुत बातें हो गई, और मैं तो यकीन करो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टेंशन में आया हूँ मैं। क्या क्या होगा? पबजी बैन हो, इतना चलने वाला गेम है, चाइना में अब तक बंद नहीं हुआ, इन्होंने कर दिया। तो भाई ये सोल्यूशन देख लो तुम लोग, ये बैटरनेट वीपीएन है मेरे पास, एक सबके पास ही हो जाएगा, ये पेड है, देख लेना मिल जाए तो, वरना फिर मैं अब तुम्हें लिंक दे दूंगा, पहले खुद देख लेना। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है ताइवान से, मैंने भी थोड़ा गूगल पे सर्च किया तो ताइवान का नाम आ रहा था, मैंने ये नहीं पढ़ा पूरा लाइन क्या थी, मैंने ये पढ़ा कि बस ताइवान आ रहा है, मैंने ताइवान पे लगा दिया। पहले जो थोड़ा सा ऐसी वैसी घुमा फिरा है, TDM में खेल रहा था, मैंने बोला TDM पे पहले ट्राई करते हैं भाई। वीडियो को लाइक करके जाना, सोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा बहुत तो गुजारा हो जाएगा। अभी लोग इतने, मेरे दोस्त थे उन्होंने इतनी मेहनत की है, 5 फिंगर कॉल, 4 फिंगर, मैं तो एमुलेटर वाला, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, 4 फिंगर पे सेट करना, 12 12 घंटे लगा रहे हैं कि गेम पे, कि नहीं कुछ ना कुछ हमारा भी हो जाएगा, वो सब कहाँ गए भाड़े में? कोई मसला ही नहीं उनका। अभी टाइम शुरू हुआ, अगर टाइम तो 20 सेकेंड का, पहले पहले मैच में हम चले जाएंगे, और मैच में जाके तमाशे देखना क्या क्या होंगे। ये मार चुके भाई मैच के अंदर गलती से, उफ भाई अल्लाह फैसला करने वाला है, अल्लाह से उम्मीद है यार। ये कहाँ जाएंगे यार ये स्टार अनोनिमस की तो, अल्लाह करे कि इनकी अक्ल में थोड़ा हाथ पड़े, अल्लाह कोई ऐसी कोई चीज़ चलाए, कोई चीज़ दिख जाए इनको, कुछ समझ में आए कि 9 तारीख को पबजी फ्रीली ओपन हो जाए, और कुछ वेरिफिकेशन ले आए ये लोग ऐसी जिससे ये काम ना हो। बस हम तो ये कह सकते हैं भाई, ये मैच शुरू हुआ, ये देखो मैंने गोलियाँ मारी और ऐसे इतनी मनहूस पिंग आ रही है, 600 700 600 700, 500 भी नहीं हुई। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, अब मेरे पिछला जो टीम खेला उसमें था, कब गोली लगी कब मरा, उसमें बताया था कि भाई आप पीपीएन कनेक्ट करके ज्वाइन हो जाओ और फिर डिस्टेंस डिस्टेंस कर दो, सही हो जाएगा। इतनी चीज़ है कर रहे हैं, अब तो सब लोग, अब लोग चीज़ समझ लो, अगर आपने पीपीएन लगा के कनेक्ट करके पबजी खेल रहे हो ना, और आप सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हो, क्योंकि 99 बंदे ना वो सारे के सारे हैकर हैं, ये बात सोच के जाना कब गोलियां लग रही हैं कब मर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कहाँ से गोली आके लग जाती है, ऐसा प्रैंक हो रहा है बस भाई, बॉडी टेंशन में आए। और मैं क्या सभी आए में, जाहिर बात है कहा नहीं ऐसा भाई, मैंने वीपीएन अप कर दिया अपना डिस्कनेक्ट, शायद सिंगापुर से कनेक्ट था, मैंने देखा नहीं कुछ खास। हाँ ये देखो इतनी गोलियाँ मैंने मारी, वो सब गई बाहर के अंदर, इसने एक गोली मारी मैं मर गया, क्या बात है। अब मेरी पिंग देखो ऐसा ऐसा लो हो रही है, जैसे भी पिंग डिस्कनेक्ट हुआ, अब ये 120 तक आ गई, काम अभी भी 120 वाला नहीं हुआ है, ये पिंग अभी भी वैसे, ये सब ना पागल बना रहे हैं हमको, सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, ये पिक गई गवर्नमेंट, ठीक है ये हो रहा है बस। और ये आज मेरी वीडियो कल आएगी जो अपनी होती है 1 नंबर वीडियो, ये तो बस मैं भी ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये पाल सब चीज़ें पालते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं उनका। अब फिर जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना तो ये बंदा भागना शुरू कर देगा बस, और फिर ये
अभी थोड़ी देर गेम चलेगा फिर बंदा आएगा, फिर थोड़ी देर गेम चलेगा फिर बंदा आएगा। ये बस भगोड़ा बंदा है, ये भागता रहता है तेरा यार। बस अल्लाह इनको हाथ पैर कुछ करे, अल्लाह कुछ दिखाए, इनको कुछ समझाए। अल्फाज नहीं है अभी, समझ रहे हो, इतनी मतलब हो रहे हैं टेंशन में कि अल्फाज नहीं, क्या करें। बहाना क्या है कि खुदकुशी सर, खुदकुशी कोई भी नहीं करता। अगर कोई बंदा पबजी खेल रहा है ना तो खुदकुशी वो कर ही नहीं सकता, सीधी बात है, क्योंकि उस पर इतनी अकल तो होगी यार, खुदकुशी कर लूँगा फिर से मैं पक्का ही यार, आप ही थोड़ी आऊँगा, रिस्पॉन्स थोड़ी हो जाऊँगा मैं। खुदकुशी खुदकुशी कोई नहीं करता, ये चक्कर कोई और चला, ये बस हमें ना पागल बना रहे सारे सारे मिलकर ना हमको पागल बनाए हैं। सिर्फ 3 किल 28 24, उनकी बेचारों की टीम भी ऐसी आ रही है, बंदे दिख ही नहीं रहे कहाँ हैं कहाँ नहीं। अब थोड़ा बेहतर है, मतलब एक दो बार बंदा घूमा है, थोड़ा थोड़ा बेहतर आ चुका है। तो ये देख लो तरीका, रिपिन लगा के अंदर आओ फिर डिस्कनेक्ट कर दो, तो क्या आपका कुछ आपका जुगाड़ हो जाए। क्या होगा, बस अल्लाह बेहतर करेगा यार। मतलब जब से सोच सोच के टेंशन भर रहा हूँ यार, क्या होगा। सबसे ज़्यादा ख्याल इसका आ रहा है स्टार एनोनिमस है यार, ये कहाँ जाएगा बेचारा। बस अल्लाह करे 9 से पहले पहले खुद ही अनबैन हो जाए और फिर पक्की पक्की खुल जाए, हमारे हुक्मरान भी समझ जाए कि कितने यंग यंग बच्चे हैं या जो भी जिनका फ्यूचर है अब तरफ पबजी, आप उनको बैन करो तो आप ये मुल्क नहीं चल पाएगा फिर तो। बाकी फिर सही कहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है और अल्लाह ही चलाएगा फिर। वाह क्या बात है, ऐसे कैसे मार देगा कोई मेरे को यार। ये हो गया पक्का काम, ये तरीका मैंने टीटीएम में लगाया, तो टीटीएम में तो सही काम कर रहा है, लेकिन जब इसको हम क्लासिक में लगा रहे हैं तो क्लासिक में इशू ये आ रहा है कि ये बंदा घूमता हुआ आता है ना जो रुक जाता है गेम बिल्कुल, ये बार बार आए जा रहा है, ये मसला है सिर्फ। उफ मैंने अभी जलमी गेमिंग की वीडियो देखी और फिर मैं यहाँ आया हूँ, फिर मैंने बोला यार मैं भी कुछ अपने बंदो पब्लिक के लिए लेके आ जाऊँ। तो यार अल्लाह दुआ करो पबजी बैन हो गया, अल्लाह कुछ कर दे, अल्लाह की हिम्मत कुछ आ जाए काम में, अल्लाह कुदरत दिखाए अपनी। बस बहुत सारी दुआ, मुझे भी याद रखना, पबजी को भी याद रखना, अपने घर वालों को भी याद रखना। और ये मेरी स्टैटिक्स देख लो भाई सोलो की, अगर ये आपको ये अगर आप ये समझो ना कि ये स्टैटिक्स कुछ भी नहीं है तो आप बोला समझ लो, क्योंकि मेरे लिए स्टैटिक्स पहली बार इतनी अच्छी स्टैटिक्स मेरी बनी है, मेरे लिए बहुत अच्छी स्टैटिक्स है। 3.51 का KD मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप लोग टेंशन में मत आना, मेरे पास 14 तक के तो गेम प्ले हैं, फिर बाद में देखेंगे। बस बहुत सारी दुआएं करो और भाई बहुत सारा लव आपके लिए मेरी पब्लिक, खुश रहो डांस करते रहो, ये नाचते रहो खुश रहो, और बस दुआ करना यार पबजी के लिए। ठीक है भाई, लव, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।